हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे 3 BHK फ्लैट के डिज़ाइन के बारे में। ये हमारे पास जो प्लॉट है, ये हमारे पास 67x78 फिट का प्लॉट है। और इसका ये जो प्लॉट है, फ्रंट में इसका मेन रोड है और इसके जो तीन अदर साइड हैं, तीनों अदर साइड में अदर लोगों की प्रॉपर्टी है। तो ये जो हमारा प्लॉट है, इसमें हमने 2 सेट डिज़ाइन किए हुए हैं 3 BHK के, जो कि हमारे सिंगल फ्लोर पे 3 BHK के 2 सेट रहेंगे। तो ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का मैप है। ग्राउंड फ्लोर में हमने जो मेन एंट्री दी हुई है, वो हमने इसमें 2 एंट्री रखी हुई है। हमारे 10 फीट वाइड की 2 एंट्री होंगी। एक एंट्री हमारी लेफ्ट साइड में होगी और एक एंट्री हमारी इस राइट साइड में होगी। तो ये लेफ्ट साइड वाली एंट्री है, इस एंट्री से हम आगे बढ़ने पर हमें ये पूरा पार्किंग मिलने वाला है। और ये जो हमारे राइट साइड की एंट्री है, इस एंट्री से भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पूरा ही पार्किंग मिलने वाला है। तो जो हमारा ग्राउंड फ्लोर रहेगा, वो हमारा पूरा ही पार्किंग पर्पज़ से रहेगा, क्योंकि ये हमारा पूरा फ्लैट सिस्टम है। फ्लैट का हमारा डिज़ाइन है, इसे आप मल्टी स्टोरी आप इसे बना सकते हैं। चाहे आप इसे 3 स्टोरी बनाएं, चाहे आप इसे 4 स्टोरी बनाएं, तो हमारा जो नीचे का फ्लोर रहने वाला है, वो हमारा पूरा ही पार्किंग रहने वाला है। यदि आप इसमें कोई भी इसमें एक छोटा वॉशरूम वगैरह ऐड करना चाहें, तो वो आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। बाकी नीचे का जो पूरा एरिया रहने वाला है, वो हमारा पूरा ही पार्किंग पर्पज़ से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसमें फ्रेंड्स, हमारा जो डिज़ाइन है नीचे के फ्लोर में, इसमें हमारा ये स्टेकेस है और हमारा लिफ्ट का डिज़ाइन रहेगा। और जिसमें हमारा जो स्टेकेस का जो साइज़ रहने वाला है, वो हमारे पास 8x17x9 इंच का रहेगा। और ये हमारा लिफ्ट का साइज है, ये हमारे पास 8x5 फिट की हमारी ये लिफ्ट रहेगी। तो ये जो हमारा स्टेकेस है, इसमें हम यहाँ से अप करेंगे। ये जो अप टू FF लिखा हुआ है, यहाँ से हम जाएंगे अपने फर्स्ट फ्लोर पर। और हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर आने पर हम जो एग्जिट होंगे, वो हम यहाँ पर एग्जिट होंगे, जो कि आप देख सकते हैं। ये जो आपको लैंडिंग जो दिखाई दे रही है, हम यहाँ पर एग्जिट होंगे अपने फर्स्ट फ्लोर पे आने पर। ये हमारे पास लिफ्ट रहेगी, लिफ्ट का ये जो डोर है, इस डोर से भी आने पर हम इसी, ये जो हमारा लैंडिंग है, इसी लैंडिंग में हम एग्जिट होंगे। तो हमें जो फ्लैट मिलेगा, वो हमें एक तो हमें राइट साइड मिलेगा 3 BHK का डिज़ाइन, एक हमें इसके लेफ्ट साइड मिलेगा। तो मैं पहले इसको जो राइट साइड वाला जो डिज़ाइन है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें हमारा जो राइट साइड का जो 3 BHK है, इसमें हम जो एंटर कर रहे हैं, वो हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं। ये जो हमारे सेकंड यूनिट जो लिखी हुई है, यहाँ से हम अपने इस फ्लैट में आएंगे। तो फ्लैट में आने पर हमें यहाँ पर मिलेगा ये ड्राइंग रूम सबसे पहले, जो कि हमारे पास 12x12x6 इंच का होगा। ये हमारे पास ड्राइंग रूम रहेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारा ये डाइनिंग का एरिया रहेगा, जो कि हमारे पास 17x2x11x6 इंच का हमारे डाइनिंग एरिया रहेगा। यहाँ पर हमारा किचन का डिज़ाइन रहेगा, जो कि हमारे पास 10x12x2 फिट का हमारा किचन रहेगा। तो ये जो हमारा एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस से आने पर हमें यहाँ पर सबसे पहले ड्राइंग रूम मिलेगा, मीन्स कि हमारा ड्राइंग एरिया होगा। जैसे हमारा कोई भी गेस्ट वगैरह आता है, तो अपने गेस्ट वगैरह के लिए हम यहाँ बिठा सकते हैं। और यहाँ पर ही हमने ये फर्नीचर का डिज़ाइन दिया हुआ है। ये जो हमारा ड्राइंग रूम है, इसमें हमने यहाँ पर ये डोर का विंडो दिया हुआ है। तो ये जो हमारा डोर रहेगा, इस डोर से हमने एक बालकनी ऐड किया हुआ है। जो हमारी बालकनी रहेगी, इस बालकनी में हम इस डोर के थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बालकनी डिज़ाइन है। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारा ये कॉमन टॉयलेट रहेगा, जिसको हम अपना पाउडर रूम भी बना सकते हैं। तो ये जो हमारा कॉमन टॉयलेट है, ये हमारे पास 5x5x9 इंच का हमारा कॉमन टॉयलेट है। और ये इस टॉयलेट को फैमिली का कोई भी मेम्बर यूज कर सकता है, या फिर हमारा कोई भी गेस्ट वगैरह आया है, तो वो भी इस टॉयलेट को यूज कर सकता है। ये फ्रेंड्स, हमारा जो किचन का डिज़ाइन है, ये हमारे पास 10x12x का हमारा किचन है, जिसमें हमने स्टोव डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारे पास सिंक का डिज़ाइन है, ये फ्रिज का डिज़ाइन है। और ये जो हमारा किचन है, किचन के हमने इसके फ्रंट में भी विंडो लगाया हुआ है, और इसके राइट साइड में भी हमने विंडो का डिज़ाइन दिया हुआ है। ये हमारे पास डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर हमने डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, जिसपे बैठ कर अपनी फैमिली के साथ यहाँ खाना वगैरह खा सकते हैं। और हमने अपने इस डाइनिंग एरिया को भी हमने बालकनी से ऐड किया हुआ है। ये हमारे पास 3x6 इंच वाइड की बालकनी होगी। तो ये जो हमारा डाइनिंग एरिया है, इसको हमने बालकनी से ऐड किया हुआ है। और जो हमारा ड्राइंग रूम है, इसको भी हमने बालकनी से ऐड किया हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारा ये लिविंग एरिया रहेगा, जो कि हमारे पास 13x6 इंच x14x3 इंच का हमारा लिविंग एरिया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे फर्नीचर का डिज़ाइन है। ये हमारा टीवी यूनिट है। ये हमारा बेडरूम का डिज़ाइन रहेगा, जो कि हमारे पास 13x4 फिट 13 फिट बाई 14 फिट 3 इंच का हमारा बेडरूम है। और हमने अपने इस बेडरूम के लिए भी बालकनी से ऐड किया हुआ, जो कि हमारे पास 3x6 इंच वाइड की बालकनी रहेगी। और ये जो हमारा बेडरूम है, इसमें भी हमने टॉयलेट को अटैच किया हुआ, जो कि हमारे पास 5x8 फिट का हमारा टॉयलेट है। और ये जो टॉयलेट है, इसमें हमने वादिंग एरिया को और टॉयलेट सीट को कम्बाइंड ही रखा हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारे सेकंड बेडरूम रहेगा, जो कि हमारे पास 11x3 इंच x15 फिट का हमारे सेकंड बेडरूम है, जिसमें हमने बेड डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारे पास कवर्ड का डिज़ाइन है। ये टीवी यूनिट है। और हमने अपने इस बेडरूम के लिए भी टॉयलेट से अटैच किया हुआ है, जो कि हमारे पास 8x5 फिट का हमारे टॉयलेट रहेगा। और ये जो हमारा बेडरूम होगा, इसको भी हमने बालकनी से ऐड किया हुआ है। यहाँ पर हमारा थर्ड बेडरूम का डिज़ाइन है, जो कि हमारे पास 11x6x15 फिट का हमारे थर्ड बेडरूम है, जिसमें हमने बेड डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारे पास कवर्ड का डिज़ाइन है। ये टीवी यूनिट है। और इस वाले बेडरूम को भी हमने टॉयलेट से अटैच किया हुआ है। तो ये जो हमारा टॉयलेट है, ये हमारे पास 8x10x3 इंच का हमारे टॉयलेट रहेगा। और ये जो हमारा टॉयलेट होगा, इसमें हमारा वादिंग एरिया रहेगा, इसी में हमारी टॉयलेट सीट रहेगी। और ये जो हमारा टॉयलेट है, इसमें अपना बाथ टब वगैरह भी रख सकते हैं। और ये जो हमारा बेडरूम रहेगा फ्रेंड्स, इसमें भी हमने बालकनी को ऐड किया हुआ, जो कि हमारे पास 3x6 इंच वाइड की ये बालकनी रहेगी। तो
तो ये फ्रेंड्स हमारा 3 BHK का डिजाइन है, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है, इस एंट्री से हम अपने घर के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा ड्राइंग रूम, ये हमारे पास किचन का डिजाइन है, यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया है। इसमें 3 बेडरूम है, एक बेडरूम हमारे ये सेंटर में रहेगा, 2 बेडरूम हमारे इस फ्रंट में रहेंगे। तो ये जो हमारे 2 बेडरूम है, हमने दोनों ही बेडरूम को टॉयलेट से अटैच किया हुआ है, और ये जो बेडरूम है इसको भी हमने टॉयलेट से अटैच किया हुआ है। और हमारे सभी बेडरूम और हमारा जो डाइनिंग एरिया है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, सभी को हमने बालकनी से भी ऐड किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 3 BHK का डिजाइन है, जो कि हमारा लग्जरी डिजाइन है। सभी को हमने बालकनी प्रोवाइड की है, सभी को अपना सेपरेट अलग टॉयलेट, और इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का ड्राइंग रूम और काफ़ी बड़े साइज़ का लिविंग एरिया और बहुत ही बड़े साइज़ का इसमें डाइनिंग एरिया हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है। तो ये हमारा 3 BHK का डिजाइन है, और ये जो हमारा 3 BHK है, ये हमारा ये जो डिजाइन रहेगा इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। मीन्स कि ये जो हमारा डिजाइन है इसका जस्ट अपोजिट हमारा ये 3 BHK रहेगा। तो इसमें हमारा जो भी बेडरूम्स हैं, बाकी जो हमारा साइज वगैरह हैं, वो हमारे एज इट इज रहेंगे, सिर्फ हमारा ये अपोजिट हो जाएगा। इसमें हमारा यहाँ से एंट्री हो रही है, और ये जो हमारा 3 BHK है, इसमें हमने इधर साइड से एंट्री दी हुई है। बाकी जो डिजाइन है वो हमारा एकदम सेम है। यहाँ हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा किचन का डिजाइन है, ये हमारा डाइनिंग एरिया है, इसके बैक साइड में बालकनी है जो कि हमने ड्राइंग रूम से ऐड की हुई है। ये हमारा बेडरूम रहेगा, बेडरूम के बाद में हमारा ये अटैच टॉयलेट, ये भी हमारा बेडरूम हुआ, इसमें भी अटैच टॉयलेट, और ये जो हमारा बेडरूम है इसमें भी हमने अटैच टॉयलेट किया हुआ है। तो ये भी हमारा 3 BHK का डिजाइन है, जो कि बहुत ही प्यारा मैप है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मैप है, लग्जरी डिजाइन है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।